मेरी रजी अदर साहब से क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या, सिडनी जिस शहर के अंदर भी रहता हूँ, मेरी कभी किसी से एक रुपए की भी डिमांड किसी से नहीं होती। क्या आप मुझे दीजिए, मेरी एक डिमांड है, तुम मेरी यहाँ समझ में नहीं आओगे, तुम अगर मेरे यहाँ समझ में आ गए ना तो मैं तुम्हारे घर मजलिस में आऊंगा, और वह है आपका अकीदा, जहां भी बुलाओगे। और इस कराची में बचपन से मैं बड़ा हो गया। इस दफा 44वां साल था हसन सगीर आदमी के यहाँ। एक वक्त था कि 150 आदमी होते थे, आज माशाल्लाह 25 से 30 हजार इंसान इनके आते हैं, लेकिन सिर्फ इनके घर की रोटी खाता हूँ, इनके घर का खाना होता है इंशाल्लाह। इसके अलावा क्यों कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है ये आजादारी। अभी ये भी बताऊं कि पहला पोर्शन जो मैंने आका क़िबला साहब तशरीफ रखते हैं कि पहला पोर्शन जो मैंने नौखानी का रखा था अली शनावर अली जी का, दिस इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां और यूथ के लिए। और ये मैं हमेशा बताता हूँ कि करबला मकतब है अबरार साहब, करबला मकतब है। अली शनावर ने इस साल मास्टर्स किया माशाल्लाह कॉमर्स में, और एक हाथ से अली जी नौहखानी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, दूसरे हाथ से असाइनमेंट कर रहे थे। कह रहे कि बाबा होगा क्या, सिडनी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर में माशाल्लाह टॉप किया इन्होंने माशाल्लाह अली जी ने। फिर मैंने हाँ, और फिर जब ये नौहा पढ़ता हुआ मेरे सामने आया, मैंने कहा, फिर जुमला निकला, ऐसे होते हैं अली के नौकर। एक बाप की सबसे बड़ी, एक माँ बाप की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है बताओ, कि इसका बच्चा ग्रेजुएट हो जाए। इसके अलावा है कि नहीं, कुछ कुछ नहीं। एक बाप की सबसे बड़ी तमन्ना यही है, मगर ये कैसे हासिल होगा ये याद रखना, मुकाफाते अमल है दुनिया के अंदर। तरबियतें काम नहीं आती, जो कुछ माँ बाप को दोगे तुम्हारी औलाद तुम्हें देगी। तुमने अपने बाप को कभी खुश नहीं रखा, और अली की बात करते हो, हुसैन के बाप को मनाने चले हो, अपनी अम्मा समझ में नहीं आ रहे, हुसैन की माँ को मनाने जा रहे हैं, अपनी बहन समझ में नहीं आ रही, हुसैन की बहन ज़ैनब को मनाने चले हैं, अपनी बीवी समझ में नहीं आ रही। मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, मेरे दोनों बच्चे गवाह हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरे गवाह हैं। एक साहब कहने लगे बीच में से, शाहजी दुआ कीजिए मेरी बेटियां राज करें। मैंने कहा फिर किसी की बेटी राज करा जिसको तू ब्याह के घर में लाया है। हाय हाय, अगर तूने किसी की बेटी को राज कराया है तो तेरी बेटियां भी राज करेंगी। तरबियत कर ले, कुछ कर ले, नमाजें पढ़ ले, कुछ कर ले, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह माफ करता है, रिश्ते माफ नहीं करते। जब रिश्तों को जख्मी करोगे ना, रिश्तों को जख्मी करो। रिश्ते क्या है? करबला रिश्ता है, करबला रिश्ता है। करबला से क्या सीख रहे हो? अपनी बेटी समझ में नहीं आ रहे, हुसैन की बेटी को मनाने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना दोस्त समझ में नहीं आ रहा, उसकी गलतियां माफ नहीं हो रही, हुसैन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को सलाम करने जा रहे हैं। अपना भाई समझ में नहीं आ रहा, अब्बास की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब ये रिश्ते तुम्हारे घर के समझ में आ जाएं, जिसको याद रखना याद रखना याद रखना, जिसका बेडरूम जिसकी फैमिली शाद है उसका इमाम बारगाह भी शाद रहता है, उसका इमाम बारगाह भी शाद रहता है। बहन माँ बेटी बाप से घर में जरा सी नाचाकी हो जाए, सुनना मेरी बात, बहन माँ बेटी से घर में बाप से जरा सी नाचाकी हो जाए, जब तुम इमाम बारगाह में आते हो तुम्हारा दिल लगता है, लगता है दिल नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? घर वाले रूठे के करबला वाले रूठे? हुसैन कहता है पहले अपनी फैमिली को समझ, अपने घर को समझ, उनसे वफा के सर्टिफिकेट ले ले, फिर करबला आना। आए तो मदीने जाने वालों, मदीने जाने वालों या करबला जाने वालों, सुन्नी हो के शिया हो, अगर तुम्हारा घर शाद है तो तुम्हारा मदीना भी शाद मिलेगा, तुम्हारा घर शाद है तो तुम्हारा करबला भी शाद मिलेगा। लव योर फैमिली फर्स्ट, जब तुम अपनी फैमिली से प्यार करना सीख जाओगे, फिर हुसैन मुस्कुरा के देता है, कहता है ऐसे होते हैं अली के नौकर। समझ में आ रही मेरी बात? यही है पूरी मजलिस मेरी, यही है पूरी मजलिस, इसी मजलिस में सब कुछ छुपा हुआ है। जब न रखता हो कोई अपने पड़ोसी का ख्याल, फायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से, फायदा क्या है, फायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से।
और इस शहर की और हमारे शहर की हालत क्या है, कि पीतल की बालियों में बेटी ब्याह गया और बाप काम करता है सोने की कान में, और बाप काम करता है। कितने दुखी है मेरा कराची, सैलाब से नहीं, इस महंगाई से, पता नहीं कितनी चीजों से। तो मैं आप सबके लिए, हाँ तो मैं आप सबके लिए यहाँ दुआ करने के लिए इसलिए आया हूँ कि खुदा ताला बहक मोहम्मद व आल मोहम्मद रबी अव्वल आ रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में परवरदिगार इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए। मैं पूरी दुनिया में मशहूर हुआ हूँ तो हर शख्स मुझसे पाकिस्तान की ही बातें करता है, तो क्या मेरा दिल नहीं करता हूँ क्योंकि मैं भी फख्र से कहूँ? ना जी ना, अभी फख्र से कहता हूँ कि हर फनकार हर फन में, मैंने 42 साल मैं वो फनकार वो फन करबला वाला हूँ जिसने अपने फन में 42 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अब कोई अवार्ड दे ना दे तेरी मर्जी है, 42 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी, 42 ईयर्स, ये रिकॉर्ड है कि नहीं? और सारे नौजवान हमारे जो हमारे साथ हैं माशाल्लाह,